बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी डिस्कशन चल रही थी भाई फर्म इक्विलिब्रियम की, और फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पता चला था कि जी हमने कॉस्ट और रेवेन्यू उसको देखेंगे तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे किस आउटपुट के ऊपर फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हम उस पॉइंट को ढूंढ सकेंगे। और पहले हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी कि जी वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा, फिर हम वी विल बी एबल टू पिन पॉइंट द आइडियल आउटपुट लेवल, आइडियल प्रोडक्शन लेवल फॉर एनी फर्म, एनी बिजनेस। तो प्रोडक्शन के हवाले से हमारी डिस्कशन थी, फिर हमने देखा था उसमें कि जी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्या होती है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिट में आपको नहीं करता, आपकी प्रोडक्शन रुकती नहीं है। और शॉर्ट टर्म के अंदर हमें पता चला था कि शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड, इसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, इसमें आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी रुक जाएगी। और लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन में नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं है। आप जिसको बिल्डिंग को बढ़ाना चाहें, मशीन को बढ़ाना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू डू You can do about it. Next हमारा जो टॉपिक है that is laws of return, जो हमारी डिस्कशन चल रही है प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन के हवाले से हम प्रोडक्शन को देखना चाह रहे हैं कि ना बात आपकी ठीक है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन की समझ आती है। लेकिन सर ये जो प्रोडक्शन होती है ये प्रोडक्शन किस तरह से होती है, एफिशिएंसी और प्रोडक्शन किस तरह की होती है, उसको थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन, उस टॉपिक को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न। एफिशिएंसीज को जब हम प्रोडक्शन की एफिशिएंसीज को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न। रिटर्न ये वो वाला रिटर्न नहीं है कि गोलमाल रिटर्न और टार्जन की वापसी, उस तरह की चीज नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने आठ आने की, हमारे जमाने में आठ आने की छोटी छोटी किताबें मिलती थी, वो पढ़ी उम्र याद की जमीन और टार्जन की वापसी और टार्जन के और कारनामे कितनी पढ़ी, जैसे लॉर्ड हनुमान साहब ने पढ़ी पड़ी है, इंद्रमान ने पढ़ी है, अच्छे टाइम होते थे, उम्र याद की कहानियां पढ़ी है। अच्छा अब मेरे बच्चे पता नहीं पढ़ते, मैं तो उनको कह के थक गया, वो एक्सबॉक्स और कंप्यूटर और टीवी और मोबाइल से आज तक अभी सकते नहीं है। उनको जबरदस्ती मैंने लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी दे दी, फिर भी थोड़े अरसे के लिए शौक था, उसके बाद फिर नहीं। मैं आई एम फाइन ऑन दिस, के लिए बच्चों को किस तरह से रीडिंग जो होने का। अच्छा रिक्शा नहीं पड़ी है, उम्र यहाँ की रोबी बड़ी बड़ी होती थी जो मर्जी जाना है, और उसकी सलमान टोपी का बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा था। अच्छा चल, ये तो एक टॉपिक से हट के वैसे जनरल डिस्कशन। अच्छा जी, तो लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न इस सेंस में कह रहे हैं कि जी हमने कहा था प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ रिलेटिंग ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आउटपुट को हम रिटर्न कहते हैं, आप इस फंक्शन से क्या हासिल करेंगे, हासिल करने को आप रिटर्न को इस सूरत में हम बयान कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं। अच्छा लॉज ऑफ रिटर्न क्या है? लॉज ऑफ रिटर्न में इकोनॉमिस्ट भाइयों ने हमें समझाया, उन्होंने कहा कि ये समझ लीजिए कि ये लॉज ऑफ रिटर्न हम शॉर्ट टर्म के हवाले से बात करें, शॉर्ट टर्म पीरियड
उसके हवाले से बात करें। पहली बात तो आप ये समझ लें कि हम लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे। लॉन्ग रन में तो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंगेज करना चाहें, बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे जो रिटर्न हासिल करनी है, उनसे जो फायदा हासिल करना है, उसके लिए इकोनॉमिस्ट भाइयों ने हमें ये लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात बताई। रिटर्न्स है, लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात बताई जी। कहते हैं जी कि अगर आप लॉ ऑफ रिटर्न समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि बाय अप्लाइंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक फिक्स था, क्योंकि हमने कहा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हमने दो हिस्सों में डिसीम कर दिया था, याद है? एक को हमने कहा था के और एक को हमने कहा था एल। के इज फॉर कैपिटल नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एल इज फॉर लेबर ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कोई एक फिक्स्ड है, फिक्स को हम डिनोट करते हैं ऊपर बार के साथ, बार अगर कर दी जाए किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, किसी के या एल के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे, दैट मींस कि वो फिक्स्ड है। इसकी डिनोट करने का ये तरीका है, बार इज द प्रोसीजर या प्रोसेस जिसे हम डिनोट कर सकते हैं। अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है तो दूसरा क्या है? वेरिएबल। ऐसे ही है, दूसरे को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड है, हमने कहा बिल्डिंग नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन लेबर इंक्रीज की जा सकती है। वो लेबर पहले थोड़े थे, आप उससे और पहले 10 लगाए थे, 20 लगाए, 20 से 30, 30 से 40 लगाए जा सकते हैं, वेरिएबल किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर। तो इन्होंने कहा कि जनाब लॉ ऑफ रिटर्न समझने के लिए फिर हम बात करें बाय अप्लाइंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। By applying variable factor of production with some fixed factor of production, अब ये fixed FOP आ गया जो हमने बात की थी। लेबर तो शायद हम चेंज कर सकते हैं, यहां पर अगर हम इसके ऊपर बात थी इसके ऊपर नहीं थी, तो लेबर तो हम चेंज कर सकते थे, वेरिएबल था, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग थी वो फिक्स्ड था। मार्जिनल प्रोडक्ट, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आप शुरू हो गए। बाय अप्लाइंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? पहले एक मजदूर चलाया हुआ था, बिल्डिंग आपकी फिक्स थी, बिल्डिंग फिक्स थी, ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के अंदर पहले एक मजदूर काम कर रहा था और इस एक मजदूर से वन लेबर आउटपुट क्या थी? आउटपुट आप ले सकते थे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स। आप क्या कर रहे हैं? आपने एक लेबर और इंगेज किया, अब विद टू लेबर्स आपकी मार्जिनल आउटपुट, ये है हमारी मार्जिनल की, मार्जिनल और टोटल का कॉन्सेप्ट हमें पता है, पहले से पता है, दिस इज हम कहते हैं मार्जिनल आउटपुट। मार्जिनल आउटपुट कह दें, प्रोडक्ट कह दें, रिटर्न कह दें, एक ही बात है। मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एक ही बात है। मार्जिनल आउटपुट एंड टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल रिटर्न, टोटल प्रोडक्ट, एक ही बात है। ये सेंटीमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे, आउटपुट, प्रोडक्ट, रिटर्न, सेंटीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। मार्जिनल आउटपुट भी 10 थी और टोटल आउटपुट भी 10 थी। दो लेबर्स इंगेज किए तो आपकी जो मार्जिनल आउटपुट है वो कह रहे हैं कि इनिशियली इट विल इंक्रीज, मार्जिनल आउटपुट आपकी इंक्रीज करेगी।
और टोटल आउटपुट क्या होगा, पहले लेबर से 10 थी, दूसरे लेबर से 15 आई, टोटल आउटपुट आपकी इंक्रीज करती जा रही है। ये लॉ ऑफ रिटर्न है। क्यों होगी? मार्जिन प्रोडक्ट initially increases, then it is known as increasing return. Law of increasing return. इस स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी प्रोडक्शन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बिल्डिंग है दैट इज फिक्स्ड, उसके साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने ऐड किए, उन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मार्जिनल आउटपुट इनिशियली इंक्रीज करेगी, इनिशियली मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? होना तो ये चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एक स्टिचिंग यूनिट है, कपड़े सीते हैं, स्टिचिंग फैक्ट्री, स्टिचिंग यूनिट ये काम करते हैं, तो आपने एक दर्जी को लगाया, उस दर्जी को लगा के आपने एक दिन के अंदर 10 शर्ट्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस की, दूसरे दर्जी को लगाया तो असूम क्या कहता था, अगर एक से 10 मिली थी दूसरे से 20 मिलनी चाहिए थी, ऐसे ही है ना, दो को लगाते तो 20 मिल जाती, दूसरे से भी 10 का ही प्रोडक्शन में इजाफा होना चाहिए था, ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन दूसरे से हम यूनिट से दूसरे जो लेबरर को दूसरे दर्जी को जब हमने इंगेज किया तो उससे 10 यूनिट्स उसने भी बनाए, उसने 15 यूनिट्स का इजाफा किया, जो आपकी मार्जिनल आउटपुट और टोटल आउटपुट आपकी 20 की बजाय 25 हो गई, मार्जिनल आउटपुट में इजाफा हुआ 10 की बजाय 15 हो गई। क्यों? क्वेश्चन होना चाहिए आपका व्हाई दिस इज द केस, ये क्यों हुआ सर? ये तो लॉजिक नहीं बनती। अगर एक शख्स 10 यूनिट बना रहा है, दूसरे शख्स को भी चले 10 यूनिट ही बनाना चाहिए। अब उसकी आपने किस तरह से कह दिया कि उसके वो 15 यूनिट बनाएगा? उसके लिए हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक होता है डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये हमने चैप्टर 1 के अंदर छोड़ा था, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा कि जनाब जब एक शख्स था तो वो क्या कर रहा था? वो शख्स खुद ही से, ये जब इंडिविजुअल एक था, पहले वाले ये नहीं था, तो एक शख्स क्या कर रहा था? वही शख्स था जो कि अपनी कटिंग भी कर रहा था, वही सिलाई भी कर रहा था, वही उसको स्टिच भी कर रहा था, वही उसको पैकिंग भी कर रहा था, वही उसको डिस्पैच भी कर रहा था, वही परचेज भी कर रहा था, वो सारा कुछ उस एक शख्स के ऊपर पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस की जिम्मेदारी थी जी। जब दूसरा शख्स आया तो अब ग्रीन ऑफ लेबर हो गया, नेक्स्ट लेबर ने आके क्या किया कि वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया, यार अच्छा परचेज और कटिंग एक बंदा कर ले, स्टिचिंग उसको स्ट्री करना, उसकी पैकिंग, उसकी डिस्पैच दूसरा बंदा कर ले। अब इस एक्टिविटी को, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को सेगमेंट में तकसीम करने से, उसको डिवाइड करने से होगा क्या कि जो शख्स
परचेज करता है, जो स्टिच कटिंग करता है, वो एक्सपर्ट होता जाएगा। आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर उसी एक शख्स को परचेज भी करनी पड़ती, कटिंग भी करनी पड़ती, स्टिचिंग भी करनी पड़ती, पैकिंग भी करनी पड़ती, डिस्पैच भी करनी पड़ती, तो वो स्पेशलाइज ना होता, वो डोमेन ऑफ लेबर की अपनी एक्सपीरियंस से ज्यादा बेहतर एफिशिएंट प्रोडक्शन ना देता। अब जब ये डोमेन ऑफ लेबर हुआ, उसने क्या किया, उसने लोगों को स्पेशलिस्ट बना दिया। मैं कटिंग का स्पेशलिस्ट हूं जी, मैं पैकिंग का स्पेशलिस्ट हूं, मैं परचेजिंग का स्पेशलिस्ट हूं, मैं डिस्पैच का स्पेशलिस्ट हूं। अब वो जो शख्स जो सारे काम करता था, वो कटिंग उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता जो कि एक शख्स जो कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कटिंग ही करता रहता है। उसकी एक्सपर्टीज, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो लामहला ऐसे शख्स से बेहतर होगी जो कि सारे काम कर रहे हैं। जो स्पेशलाइजेशन विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली। ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर है। स्पेशलाइजेशन करते हैं, इसी वजह से जब हमने एग्जाम्पल बिल्ड की तो इस एग्जाम्पल में कहा कि इनिशियली वो 10 यूनिट्स मार्जिनल यूनिट थे एक इंडिविजुअल लेबर के, जब दूसरा इंडिविजुअल लेबर आया तो उससे मार्जिनल यूनिट में इजाफा 15 यूनिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी डोमेन ऑफ लेबर हुई, डोमेन ऑफ लेबर की वजह से वो स्पेशलाइजेशन हुई, स्पेशलाइजेशन की वजह से इंक्रीज इन एफिशिएंसी हुई, जिसकी जिसने ये किया कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इजाफा हो गया, उसमें इजाफा होना शुरू हो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स के अंदर हमें डोमेन ऑफ लेबर का और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर हम लॉ ऑफ रिटर्न को सीधा समझ सकेंगे। वरना नॉर्मल वर्ल्ड में कहेंगे जी के 10 यूनिट इसने बनाए थे, 10 ये बनाएगा, तो टोटल आउटपुट हमारी 20 होनी चाहिए, 25 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनिशियली क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तकसीम लेबर को तकसीम अपने प्रोडक्ट प्रोसेस को डिवाइड करने की ऑप्शन मौजूद थी, उस वक्त वी वर एबल टू ऑप्टिमाइज आवर प्रोडक्शन रिसोर्सेज, we were able to increase our production resource per unit production resource from our initial variable factor. फिर आपको कहना चाहिए सर ये बार बार आप इनिशियली क्या वर्ड क्यों यूज करते हैं, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आपके दिमाग को हिच करना चाहिए सर ये बार बार आप इनिशियली का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। वो मैं आपको बता, वो कहते हैं जनाब के एक लेवल तक तो ये चीज आपकी दुरुस्त होगी, आपके बैठने की जगह स्टिचिंग की, आपकी बिल्डिंग, आपकी दुकान जिसके अंदर वो स्टिचिंग यूनिट लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग उस यूनिट को, उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने थर्ड लेबर इंगेज किया, इस जगह के अंदर थर्ड लेबर भी आ गया, अब भी आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फिर बदली हुई, आउटपुट टोटल आपकी फिर बढ़ गई। फिर फोर्थ लेबर को भी इंगेज किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी फिर इंक्रीज हुई, आउटपुट आपकी फिर भी, टोटल आउटपुट आपकी फिर बढ़ गई। फिर कहते हैं कि अब जब आप फुल कैपेसिटी के ऊपर आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों को इंगेज करेंगे तो एफिशिएंसी वाला इंपैक्ट खत्म हो चुका होगा। ये जो एफिशिएंसी थी ये क्यों थी? क्योंकि आपके पास अभी जगह गुंजाइश मौजूद थी, वो चौथा बंदा तक बैठ सकता था, आप पांचवा बंदा बैठाएंगे, डोमेन ऑफ लेबर दोबारा करेंगे, तो पहले ही पैकिंग हमने परचेज वाले को अलग कर दिया, स्टडी वाले को अलग कर दिया, पैकिंग वाले को अलग कर दिया, डिस्पैच वाले को अलग कर दिया। अब जो पांचवा बंदा आएगा वो जो डोमेन हुई हुई है उनके अंदर ही कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो वो शख्स अब क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर
बेहतरी की गुंजाइश, ऑप्टिमम बनाने की, एफिशिएंसी और इंप्रूव करने की गुंजाइश अपने लेवल पर पहुंच चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। हम अब अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मजीद ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? फिर कहते हैं कि जब ये लेवल आ जाएगा, आप छठा पांचवा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंगेज करेंगे, तो फिफ्थ लेवल के साथ आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी आउटपुट बाहर वाली इंक्रीज जरूर हो जाएगी। टोटल पांचवा बंदा आया है तो उसने कुछ ना कुछ, लेकिन वो आप एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पा रहा, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ पा रही। क्यों नहीं बढ़ पा रही? आप सैचुरेशन पॉइंट आ गए, आपकी प्रोडक्शन हो सकती थी वेरिएबल को फिक्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो ऑप्टिमाइजेशन हो सकती थी वो ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है, और अल्टीमेटली यू विल स्टक विद कॉन्स्टेंट मार्जिनल आउटपुट। इसको इस लेवल को कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। और फिर क्या होगा? फिर आप एक लेवल आ जाएगा, फिर आप कहेंगे नहीं हमने यार अभी तो फिर हम एक और शख्स को इंगेज कर लेते हैं। अब क्या होगा? ये जो छठा शख्स आया, इससे आपकी शायद मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी। ये इसको मजबूरन आपको इंगेज करना पड़ेगा, इससे आउटपुट के अंदर तो बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये आप इंगेज किया यार अच्छा चल कटिंग करते ना उस्ताद, तू इसके बैठ साथ बैठ जाएगा, ये कटिंग करेगा कपड़ा उठा के जैसे तू इधर रख दे, ये जो नीचे कपड़ा गिरे होते हैं उसकी सफाई कर दिया कर। आप छठा जो बताएगा उसको डिवीजन लेबर की जो प्रोसेस की डिवीजन है और उससे जो हम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते थे, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे, वो नहीं काम करवाएंगे, ऊपर के काम करवा देंगे, उससे भी थोड़ा सा प्रोडक्शन के ऊपर, तो टोटल प्रोडक्शन में तो बारह फर्क पड़ेगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी आई, टोटल प्रोडक्शन फिर भी 150,000 की पहुंची। और फिर इसके बाद सेवंथ लगाते हैं, फिर फॉर एग्जाम्पल 10, 125, टोटल प्रोडक्शन फिर भी इंक्रीज कर गई लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन अब कम हो रही है। फिर एट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 पे चला जाता है 130। नाइन्थ लगाते हैं, नाइन्थ लेबर आया और 0 पे चले गए 130 पे, और अल्टीमेटली आपकी एक लेवल आएगा जब आपकी माइनस में चलना शुरू हो जाएगी, आपकी आउटपुट वुड देन व्हेन मैच मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम माइनस। इतने ज्यादा लोग एक ही जगह पे आ जाएंगे कि उनसे प्रोडक्शन के ऊपर के कामों की भी में भी इजाफा नहीं होगा, इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे उनसे प्रोडक्शन में आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? और बल्कि पर यूनिट प्रोडक्शन हमारी कम होना शुरू हो जाएगी और माइनस में हम टोटल प्रोडक्शन की हमारी डिक्रीजिंग की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो मुश्किल तो नहीं आज के दिन के लिए, इतना ही लाभ रिटर्न की डिस्कशन, कल इसकी डायग्राम और फिर डायरेक्शन करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, सॉरी अगेन आपको वेट कराया आज हमने, और इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो, अल्लाह हाफिज़।